कोकिला लता मंगेशकर की मधुर आवाजें आज खामोश हो गई। इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली है। उनके निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इंदौर के लोग उन्हें याद कर रो रहे हैं। वहीं प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लता मंगेशकर को याद किया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनके निधन से एक युग की समाप्ति हो गई है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है कि स्वर साम्राज्ञी परम श्रद्धे लता मंगेशकर के निधन से अंतर्मन दुख पीड़ा शोक से व्यथित है। देश ही नहीं समूचे विश्व ने एक ऐसी स्वर साधिका को खो दिया जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से जीवन में आनंद घोलने वाले असंख्य गीत दिए हैं। तो वहीं कई बड़े नेताओं ने क्विक कर लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत ही दुखद समाचार है। सर कोकिला आदरणीय लता जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका जन्म इंदौर में हुआ था और उनकी याद चिरस्थायी करने के लिए हमने जो उनका जन्म स्थान है उस पूरे सड़क का नाम उनके नाम से किया। उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। हमारे देश के संगीत में खास करके हर क्षेत्र में उन्होंने संगीत के क्षेत्र में जो काम किया है वो हमेशा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनके गीत हमारे बीच में रहेंगे। शारीरिक रूप से भली वो हमारे बीच में नहीं हो लेकिन गीतों के रूप में हमेशा वो हमारे बीच में रहेगी। मैं मेरी ओर से इंदौर की जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा तो अर्पित करता हूँ। लता दीदी का जाना हम सबके लिए बहुत दुखद घटना है। इंदौर ही नहीं देश ही नहीं सारी दुनिया के वे संगीत प्रेमी जो उनकी आवाज़ के दीवाने थे निश्चित रूप से आज बहुत दुखी हैं। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी आवाज़ में वो ताकत थी कि कितना भी संत पुरुष हो पर उनका जब प्रेम की चालू होता था उसके अंदर एक आनंद के लिए लहर ढूंढने लगी। कितना भी गैर जवाबदार व्यक्ति हो पर उनके राष्ट्र भक्ति का गाना जब सुनता था तो उसके रगों में खून दौड़ने लगता। कितना भी बेदर्द व्यक्ति हो पर जब उनके दर्द भरे गीत सुनता था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये उनकी आवाज़ की ताकत थी। लता जी का शरीर हमारे बीच में है पर उनकी आवाज़ जिंदा रहेगी हमेशा जिंदा रहेगी जब तक ये धरती है जब तक जिंदा रहेगी। हम इंदौर के लोग बहुत दुखी इसलिए कि वो इंदौर की बेटी थी। मैं मेयर था तब से चाहता था कि वो इंदौर आए। गया भी उनके पास पर किसी एक घटना के कारण वो इंदौर आने के लिए तैयार नहीं थे। हम सब इस बात के लिए दुखी हैं वो इंदौर की बेटी होने के बाद भी अपने अंतिम समय में इंदौर नहीं आए। हम उनका स्वागत नहीं कर सके हम उनका अभिनंदन नहीं कर सके पर लता जी का जाना एक भारत के लिए नहीं पूरे संगीत की दुनिया के लिए बहुत दुखद है। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी आवाज़ दुनिया जब तक रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। शरीर उनका वहीं चला गया। ओम शांति। स्वर कोकिला नहीं रही भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया। लता दीदी आपके बिना ये देश सुना है इस देश के गीत और संगीत सुने हैं हर घर सुना है हृदय घट सुना है। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम।